इवनिंग दगड़ियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दगड़ियों, आज चर्चा में हम बात करेंगे आखिर क्यों पिछड़ते आ रहे हैं हम पहाड़ी लोग, ठीक है। हालांकि इस मुद्दे पे आपको किसी किताब में या किसी यूट्यूबर द्वारा बनाया गया हुआ कोई पर्टिकुलर वीडियो पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं दावे के साथ करता हूँ कि आपको ऐसा वीडियो पूरी यूट्यूब हिस्ट्री में कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। विशेषकर हालांकि मैं जानता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, यानी कि जो हमको देखते हैं, वो पहाड़ से ज़्यादा भाई बाहर के लोग हैं, ठीक है। और मैं जानता हूँ वो हमें क्यों देखना चाहते हैं, उसका भी मेरे को रीज़न पता है, ठीक है। हालांकि वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो एडिटिंग, ये सब चीज़ें हमारे चैनल पे इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है जैसे कि आज के टाइम में बड़े बड़े यूट्यूबर अपनी वीडियो बनाते हैं। और ऑब्वियसली उनकी वीडियो बनेगी भी भाई, क्यों नहीं बनेगी, आप समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं वो एक वीडियो को, ठीक है। काफ़ी कॉस्टली वीडियो होती है उनकी, और हो भी क्यों ना भाई, उनकी अर्निंग का स्रोत वो वीडियो ही रहता है, ठीक है। ये मान के चलो कि जो आदमी 1 लाख 2 लाख एक वीडियो से पैसा कमा रहा है, तो भाई अगर 5-10 हज़ार रुपये उस पर लगा भी लेगा तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। बट दगड़ियों, जब हम 1,000 वीडियो बना के भी अभी तक अपने चैनल से 1 भी रुपये नहीं कमा पाए, तो अगर हमको बोला जाए कि एक वीडियो पे 5 रुपये लगा दो या 10 रुपये लगा दो बनाने के लिए, तो हमारे लिए वो चीज़ें भी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो कुछ हकीकत थी ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, लगा मुझे आपको शेयर करनी चाहिए। अब आते हैं आज की चर्चा में, और आज की चर्चा का विषय मैंने आपको पहले ही बता दिया, आखिर क्यों पिछड़ते आ रहे हैं पहाड़ी लोग, ठीक है। पिछड़ते आ रहे हैं का मतलब, आप थोड़ा गहराई में जाओ तो ये अपने पहाड़ों के इतिहास के पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। हम लोग आज नहीं पिछड़े हैं, एक बात अपने मन से हटा देना, आज हम लोग पिछड़े नहीं हैं, हम पहले से ही पिछड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और ख़ास तौर से जैसे उत्तराखंड है, दो मंडल है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, तो ख़ास तौर से जो गढ़वाल मंडल है, ठीक है, जहाँ से कि मैं हूँ खुद, वो कुछ ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ है भाई पहले से ही, ठीक है। उसके पीछे कारण है, पिछड़ने के पीछे क्यों हम पिछड़े, क्यों हम दुनिया की भाग दौड़ में साथ साथ नहीं भाग पाते हैं, और क्यों हमारे यहाँ का विकास इतना नहीं हो पाया जितना कि अदर स्टेटों का हुआ या अदर शहरों का हो रखा है, ठीक है। क्यों हमारे लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है, क्यों कंपटीशन में हमारे एरिया के लोग पीछे रह जाते हैं, क्यों यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं मिल रही है, क्यों यहाँ अच्छे कॉलेज नहीं है, ये सब बातें करेंगे आज की चर्चा में, ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा शुरू करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि उसके पीछे कोई गवर्नमेंट, कोई एमएलए, कोई प्रशासन, ये सब कोई भी किसी का भी हाथ नहीं है भाई, ठीक है। मैं जानता हूँ आप लोगों को अजीब लगेगा, आप बोलोगे कि रोड तो भाई विधायक लाता है, रोड तो आई नहीं है, तो ऑब्वियसली विधायक का हाथ है भाई हमारे यहाँ रोड ना आने में। और दगड़ियों, शॉकिंग न्यूज़ ये है कि हमारा गांव में आज भी रोड नहीं है, ठीक है। ग्राम कॉल, पोस्ट ऑफिस भवन, धुमाकोट, पौड़ी गढ़वाल, इस गाँव में आज भी रोड नहीं है, ठीक है, जहाँ से कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 2 किलोमीटर तक हमको चढ़ाई से चढ़ के रोड तक जाना पड़ता है, ये तो स्थिति हमारे खुद के गाँव की है, ठीक है दगड़ियों। चलो जाने दो, काफ़ी बार बोल चुके हैं, आप भी सुन सुन के पक गए होंगे, मैं कई बार रोड की डिमांड कर चुका हूँ खुद पर्सनल लेवल पे भी, बट भाई अभी तक तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए और हमारे गांव में रोड आ जाए, वो बात अलग है, नहीं तो आसार नज़र नहीं आ रहे भाई दूर दूर तक। तो चलो पर्सनल मुद्दों से हट के आते हैं चर्चा में, जो कि पूरे पहाड़ के विषय में आज होने वाली है। तो दगड़ो, हमारे पीछे रहने के पीछे सबसे पहली मेंटलिटी हम लोगों की खुद की है, ठीक है। यकीन मानिए, हमारा जो माइंड सेट है पहाड़ियों का, और ख़ास तौर से गढ़वालियों का, बुरा मानो चाहे भला मानो, साफ साफ मैं बात बता दूं, ठीक है, हम अपने ही भाई को आगे बढ़ाना कभी नहीं चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो हमारी पास कमी है, हम
अपने भाई को, खुद के भाई को भी अपने से आगे होता हुआ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे पता नहीं कौन से कण हमारे ब्लड में है, कौन सा ऐसा राक्षस हमारे दिल में घुस गया है, ये तो मुझे नहीं पता है, बट ये सोच पहाड़ियों की जनरल हो चुकी है, ठीक है। आपने कई बार ये चीज़ देखी होगी, गौर की होगी, और बहुत सारे लोगों के साथ तो ये हादसे प्रत्यक्ष रूप से हो रखे होंगे। सपोज आपके गांव का कोई बहुत बड़ा पद पे किसी कंपनी में कोई आदमी जॉब करता है, तो आप चेक कर लेना उस गांव के उस कंपनी में पहले तो कोई होगा ही नहीं, और कोई होगा भी तो अपने दम पे होगा भाई, ठीक है, उसकी उसमें कोई भी हेल्प नहीं होगी, ठीक है, आप ही मान लो। तो आप समझ सकते हो मेंटलिटी सबसे पहले हम पहाड़ियों की ऐसी हो गई है कि अगर मेरे को रोटी मिल रही है तो मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा जो मेरे सामने जो मेरा पड़ोस वाला है वो भूखा मरे, और उसको भूखा मरते देख के जितनी खुशी मेरे को होती है पूछो मत भाई, ठीक है। मैं भूखा रह जाऊँगा, अपनी रोटी भी बंद कर दूंगा और खुशी खुशी जी लूँगा अगर मेरे को पता चलेगा कि मेरा पड़ोसी भूखा मर रहा है। तो दगड़ो ये सोच हो गई है पहाड़ी लोगों की, और ये सोच आज से नहीं है, पहले से ही चली आ रही है, ठीक है। आज तो थोड़ा बहुत चेंज भी हो रही है सोच, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा जटिल सोच है ये पहाड़ियों की, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में, जिन चीज़ों के लिए लोगों के पास टाइम भी नहीं होता, उन चीज़ों में हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, उन झगड़ों में, उन झगड़ों को सुलझाने में, ठीक है। सपोज करो एक भाई, दो भाई का एक खेत है, तो स्वाभाविक बात है उसका बंटवारा होना है, ठीक है। उसका बंटवारा पापा करके चला जाता है, और पापा जी तो स्वर्गवास हो जाते हैं, उसके बाद जिंदगी भर उस खेत में वो दो भाई लड़ते रहते हैं। सिर्फ ये उनका झगड़ा ये रहता है कि तूने मेरा ज़्यादा ले लिया, मैंने तेरा कम ले लिया, बस यही झगड़ा उनका ज़िंदगी भर रहेगा, ठीक है। जबकि आपने देखा होगा और आपने सुना होगा, चलो नहीं भी सुना होगा तो मेरे माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि रामायण में जब कैकेयी ने दो वर लिए थे राजा दशरथ से, पहले में तो भरत को राजगद्दी और दूसरे में राम को वनवास, ठीक है। और ये बात जब भरत को पता चली, तो वो भी भाई था, तो उन्होंने अपनी माँ से एक शब्द कहा था कि हे माता, तुमने मेरे लिए गद्दी नहीं, तुमने मुझे इस लायक कर दिया आज, राजा तो बहुत दूर की बात है, तुमने मुझसे मेरा भाई भी छीन लिया है, ठीक है। भ्रात प्रेम के सामने भरत ने राजगद्दी स्वीकार करना तो दूर भाई, यहाँ तक कि अपने प्राण न्यौछावर करने पे आ गए थे भरत। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि जब के कई वन में, जब सब लोग डिसाइड करते हैं कि वन से राम को वापस लाते हैं और कैकेयी भी साथ में चलती है, तो जब राम कैकेयी से मिलता है तो कैकेयी यही कहती है कि हे राम, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे बस सिर्फ इतना आशीर्वाद दो, ये वरदान दो मुझे कि मैं भरत की माँ बनी रहूँ, ठीक है, बाकी मुझे बेटा कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप समझ सकते हो वो भी टाइम था, और ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को रोज़ सुनने को मिलती है, नहीं तो किताबें हैं वहाँ पढ़ने को मिलती है, और ये सब चीज़ें आप जानते हुए भी आपकी सोच इस प्रकार की हो गई है, ठीक है। हम अपने आदमी को कभी भी आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पहाड़ी लोग बहुत जल्दी रिजल्ट पे आ जाते हैं, यानी कि नतीजों का उनको इतनी बेसब्री से इंतज़ार होता है कि मानो कि पूरी तैयारी करके रखी हो भाई, ठीक है। आज ही भी मैं सुनता हूँ कि हमारे पड़ोसी गांव में एक लड़की डॉक्टर बन गई, एक लड़की PWD में इंजीनियर बन गई, ठीक है, बहुत खुशी होती है, वाह वाह होती है, और हम सिर्फ रिजल्ट पे आ जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन दगड़ियों थोड़ा सर्च पे जाइए, रिसर्च करिए थोड़ा, ठीक है, पता करें कि जो आपकी पड़ोस की लड़की डॉक्टर बनी है उसने डॉक्टर बनने के लिए क्या किया है, ठीक है, तो आपको नॉलेज मिलेगा, उसकी खुशी हो, खुश हो जाओ उसकी खुशी में, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि होते नहीं है लोग, लेकिन अगर खुश भी दिखावा भी कर रहे हो तो सही बात है, खुश होना चाहिए, बट थोड़ा सीख लो उससे, पता करो कैसे वो डॉक्टर बनी, क्या क्या उसने किया। हो सकता है अगर वो आपको 100 बातें पता चली उसके बारे में, तो आप अगर उसकी एक बात भी अपना दो तो डॉक्टर नहीं तो कंपाउंडर तो बन जाओगे।
तो दगड़ो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब आप किसी के बारे में कोई अच्छी न्यूज आपको मिलती है तो अच्छी बात है, हर कोई सक्सेस होना चाहिए, लेकिन आपको भी उससे कुछ सीखना चाहिए और पॉजिटिव वे में आपको पता करना चाहिए कि वो कैसे हो गया। हो सकता है आप वो चीज़ ना कर पाओ, लेकिन अगर आपकी फैमिली होती है, कल आपके बच्चे होते हैं, तो आप उनके साथ वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एकदम से रिजल्ट में मत जाइए, थोड़ा अपने दिमाग से सर्च भी करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तीसरी, हम पहाड़ियों में, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही पोल खोल रहा हूँ पहाड़ियों की, तो माफ़ करना मुझे, बट मेरा काम ही वही है, हकीकत पहाड़ों के बारे में जो है वो आप लोगों तक पहुँचाना। हम पहाड़ियों में जो जलन की भावना होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है भाई, ठीक है। हम अपनी कमाई को कभी नहीं देखते हैं, ठीक है। अगर मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं ये कभी नहीं जाऊँगा कि मैं ये पता करूँगा कि मेरा पड़ोसी जो है कितना कमा रहा है, और अगर वो मेरे से कम भी कमा रहा है 8 ना, तो मैं सोचूंगा यार ये 8 क्यों कमा रहा है, इसको तो 4 ही कमाना चाहिए, ठीक है। तो ये भावना है, ठीक है। तो कहाँ से विकास होगा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इन भावनाओं को अभी त्याग करें, ठीक है, पॉजिटिव वे में चले, उतना ही पैर पसारिए जितनी आपकी चादर है, ठीक है। हो सकता है पैसे के मामले में आपका पड़ोसी आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सुखी हो, ठीक है। हो सकता है आप सुखी हो उससे ज़्यादा, क्योंकि पैसा सुख का कारण नहीं है, ये बात अपने मन में बिठा लो, ठीक है। ऑटोमेटिक आपका विकास हो जाएगा, और जब आपका खुद का विकास हो जाएगा तो भाई इन पहाड़ों का विकास होने से किसी की ताकत नहीं रोक सकती है, ठीक है। अगली बात जो हम पहाड़ियों की, ये है कि पहले तो हमको सच्ची और अच्छी न्यूज़ मिलती नहीं है, ठीक है। और अगर कोई न्यूज़ मिल जाए तो वो पहाड़ में इस तरह से घूमती है भाई कि लास्ट में जो निचोड़ निकलता है उस न्यूज़ का, अगर एक आदमी पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर गया, ये सच्ची न्यूज़ है, तो लास्ट में निचोड़ आ जाएगा कि एक आदमी पानी लेने के लिए 2,000 किलोमीटर चला गया। आप समझ लो इतनी अफवाहें उड़ती है भाई, और इतनी अफवाहें क्यों उड़ती है, क्योंकि लोग जो है एक दूसरे की बातों में कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हैं बिना किसी बात को रिसर्च किए हुए, ठीक है। तो प्लीज़ और प्लीज़ जब भी कोई अफवाह या कोई ऐसी बात आपके सामने आती है तो उसे अपने स्तर पे, अपने दिमाग से उसको अच्छे स्रोतों द्वारा उस खबर की पुष्टि करें, उसके बाद ही आगे बढ़ाएं उसको, न कि बिना सोचे समझे, ठीक है। क्योंकि बिना सोचे समझे जो काम होता है वो दगड़ियों बिल्कुल भी कभी भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अगली जो बात हम पहाड़ियों में ज़्यादातर पाई जाती है वो होती है कि हम प्रयास तो भाई हर चीज़ के लिए करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब हमको फल मिलना नज़दीक होता है ना, तो हम अपना प्रयास छोड़ देते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज़ मैं ही यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, मेरा चैनल विजिट करना 1,000+ वीडियो होंगी, ठीक है। आप समझ सकते हो, जबकि मेरी जगह कोई दूसरा आदमी अगर यूट्यूब में ऐसी वीडियो बनाता होगा तो भाई अगर वो पहाड़ी होगा तो 100 वीडियो बनाएगा, और चाहेगा वो, ठीक है, चाहे वो भगवान से प्रार्थना करे, चाहे कुछ भी करे, वो 101 वीडियो नहीं डालेगा, 100 ही वीडियो में वो उसका पेट भर जाएगा, यानी कि प्रयास वहाँ पे वो रोक देगा जहाँ से हो सकता है उसको टर्निंग पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। इसलिए भाई प्रयास करते रहिए, प्रयास करना कभी मत छोड़े, ठीक है। आपके हाथ में कर्म है, फल आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। कर्म करते रहिए, यकीन मानिए जो कर्म करते हुए आपका समय टलेगा ना, वो भी आपकी ज़िंदगी का बहुत मैजिक मोमेंट रहेगा, ठीक है, एक समझ लीजिए। उसकी हो सकता है जिस समय आप परिश्रम कर रहे हो, वो समय अगर आप परिश्रम ना करो तो उस समय को आप गलत यूज़ कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी दूसरे दुनिया में जा सकती है। तो कम से कम आपका समय तो अच्छी तरह गया ना, यानी कि मेहनत पे गया ना आपका समय, आपको फल नहीं मिला लेकिन जो समय कटा आपका प्रयास करते हुए वो तो अच्छा कटा। संतोष हम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है भाई, संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है पहाड़ में सब गरीबी में ज़िंदगी जीते हैं, किसी की अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छे पैसे वाला हो जाता है, संतोष उसको फिर भी नहीं होता है भाई, ठीक है। लोभ उसके मन में कूट कूट के भरा है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। कोई पॉइंट अगर इनमें से काटना होगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, बट थोड़ा व्याख्या के साथ, ठीक है।
क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि क्यों काटना है वो पॉइंट, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हम लोगों में एक बहुत बड़ी विशेषता है जो कि हमारे डेवलपमेंट के बीच में हमेशा आती जा रही है, हमें अपनी कीमत का मालूम नहीं होता है। ठीक है, मैं सीधा सीधा बोलूँगा, 500 रुपये में हमारा वोट बिक जाता है भाई नेताओं को। अब जो वोट आप 500 रुपये में दे रहे हो किसी नेता को, आप क्या उम्मीद करते हो उस नेता के, कल आप उसके उसको कुछ बोल पाओगे कि हमारे यहाँ का विकास कर, ये कर? आप तो पहले ही खरीद लिए ना उसने, तो क्या शिकायत करोगे आप? बहुत कम कीमत आंकते हो अपनी। वो 500 रुपये आपको कितना दिन चलेगा? आज के टाइम में तो एक दिन भी नहीं चलेगा। ठीक है, उस टाइम अगर पहले की भी बात करो तो उस टाइम भी चलो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना कटा होगा आपका, बाकी 5 साल में 1 ही महीना तो नहीं आता है ना भाई, 1 साल में 12 महीने आते हैं, तो 12 पंजे 60, 60 महीने होते हैं 5 साल में। 1 महीना कट गया तो 59 महीनों का क्या होगा, आप बिल्कुल नहीं सोचते हो, आप उस 1 महीने में ही खुश हो जाते हो। और एक पहाड़ी लोगों की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिन जो पहाड़ी लोग बचपन से कभी देखे भी नहीं होते उनके। ठीक है, लेकिन जब वो शहर का रुख करते हैं तो गलत चीज़ों को ज़्यादा अपनाते हैं। सॉरी, एक बार फिर मैं माफ़ी मांगूंगा और माफ़ी चाहूंगा, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा मैं जानता हूं, क्योंकि मैं खुद भी पहाड़ी हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। लेकिन पहाड़ी लोग बाहर जब जाते हैं तो गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मैं जानता हूँ पहाड़ी बहुत ईमानदार होते हैं, सीधे साधे होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, लेकिन क्या होता है, जिस आदमी ने बीड़ी भी घर में नहीं पी होगी ना, वो शहर में जाके बीड़ी पीना सीख जाता है भाई। ठीक है, ये कंपलसरी है, नहीं तो भाई शहर में अच्छी चीज़ें भी है, गंदी गंदी चीज़ें नहीं है। तो प्लीज़ और प्लीज़ नियंत्रण रखें अपने मन पे। हालांकि वो जगह आपके लिए अलग सी होती है, बट उस जगह में सब चीज़ें बुरा ही नहीं होता है, अच्छाई भी आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली मेहनती सीधे साधे और ईमानदार तो पहाड़ी होते ही हैं, ये तो पहाड़ियों पे पहले से ही मोहर लगी हुई है। ठीक है, आप सुनते भी होंगे होटलों में कोठियों में इतने बड़े बड़े लोगों की सेवा जो लोग कर रहे हैं, जिनके पास करोड़ों की दौलत छोड़ के मालिक बाहर चले जाते हैं, तो वो पहाड़ी लोग ही होते हैं भाई, इतने ईमानदार। ठीक है, बट कुछ हद तक ये लोग गलत चीज़ों के साथ अट्रैक्शन में आ जाते हैं, जैसे कि व्यसनों की मैं ज़्यादातर बात करूँगा। तो पहाड़ी सीधा साधा लड़का जो घर से जाता है वो व्यसनी होके शहर से घर आ रहा है भाई। ठीक है, तो एक तरह से तो शहर जाके उसका नुकसान ही हुआ ना, पैसे का छोड़ो शरीर का तो नुकसान हो रहा है ना भाई। तो दगड़ो, ये सब कारण है जिसके कारण जो है हम पहाड़ी पहले से ही पिछड़े हुए आ रहे हैं। ठीक है, और भी कारण आपके मन में है तो मेरे साथ ज़रूर चर्चा में कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपका जिक्र उसमें ज़रूर करूँगा। और इनमें से अगर मैंने कुछ कारण गलत बताए हैं, हो सकता है मेरी नॉलेज में गलत आया हो या मैंने उनकी गलत व्याख्या की हो, तो वो भी मेरे को ज़रूर सजेस्ट करें। बाकी दगड़ियों, मैं यही राय दूंगा आपको शॉर्टकट में, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और हमेशा अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। ठीक है, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, अपने अनुभव के साथ मैं ये बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कि मैं एक वीडियो के माध्यम से, ये मेरी सोच खुद की सोच है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें एक दोहराय बिल्कुल भी नहीं है। हमारा भी गाँव है और हमारे गाँव में भी गरीब से लेकर अमीर आदमी रहते हैं। ठीक है, पर्सनल की अगर मैं बात करूं तो भाई अच्छा लगता है सबसे मिलना और सबसे मिलजुल के रहना, बहुत अच्छा लगता है, गांव की तो ये रीति है। ठीक है, लेकिन इंड ऑफ इंड हम जितना भी डिपेंड है अपनी मेहनत पे ही है। ठीक है, लास्ट में वही है, वही आप ज़िंदगी बिताओगे जहां आप मेहनत करोगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी से मतलब ना रखें या किसी की बात ना सुने, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में तो होती रहती है। ठीक है, और बिना बिना मतलब की तो भाई ज़िंदगी भी तो फिर बेरुख हो जाएगी, उससे अच्छा तो आप तपस्या कर लो। ठीक है, तो ये सब रखना पड़ता है, लेकिन पॉजिटिव वे में चलिए। ठीक है, पॉजिटिव वे में, अगर आपका पड़ोसी आपसे 2 रुपये ज़्यादा कमा रहा है तो कोशिश करें आप पता करें कि वो 2 रुपये ज़्यादा क्यों कमा रहा है, और आप भी ऐसे काम करें, हो सकता है आप उससे 4 रुपये ज़्यादा कमाने लग जाओ। ठीक है, और अगर आप उतना भी कमा रहे हो तो उसमें भी आप संतुष्ट रह सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उससे कम पैसे के मामले में या ऐसे सुख सुविधाओं के मामले में आगे जाना ही है। और एक बात मैं बता दूं कि एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, कि सपोज आपके पड़ोस में पड़ोसी आदमी आपसे कम कमा रहा है और आप तो खुश हो। ठीक है, तो भाई हो सकता है वो भूखा मर रहा है, सपोज कम क्या वो भूखा ही मर रहा है, तो आप तो खुश हो रहे हो कि भाई अच्छा है ये भूखा मर रहा है,
लेकिन आप उसके मन की तो नहीं जानते हो ना, क्या पता भाई वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, फिर आप अमीर हो आपको लूट सकता है वो, तो नुकसान किसका हुआ, उसका तो हो ही रहा है लेकिन आपका भी तो हो सकता है ना भाई। ठीक है, तो अगर आग में आप पेट्रोल डालोगे तो आग तो भाई तुम्हारे घर तक भी आ सकती है, नो डाउट। और वही अगर आपके पड़ोस में कोई बेरोज़गार है तो उसको देख के खुश मत हो जाइए, उसको रोज़गार की तरफ ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो बेरोज़गार रहेगा तो भाई वो क्राइम की तरफ भी जा सकता है ऑब्वियसली, जब वो खाली रहेगा तो, और वो क्राइम आपके साथ भी वो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि पड़ोस में तो आप ही हो उसके, तो क्यों खुश हो रहे हो उसकी बेरोज़गारी से, भाई उसको रोज़गार संपन्न बनाने की कोशिश करो ताकि वो भी सुखी रहे और आप भी सुखी रहोगे, क्योंकि जब तक आपका पड़ोस सुखी नहीं रहेगा तो यकीन मानिए दगड़ियों आप भी कंप्लीट सुखी नहीं रह सकते हो। तो इन शॉर्ट में दगड़ियों, दूसरे की खुशी में अपनी खुशियां ढूंढिए और दूसरे के दुख में उसका साथ दीजिए, उसके दुख कम करने की कोशिश करें। अगर उसका दुख आप कम नहीं कर सकते हो तो उसका दुख तो बढ़ाए तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की चर्चा में आप मेरी बात समझे होंगे, पहाड़ियों के पिछड़ने के पीछे क्या क्या कारण है। अगर इन कारणों से निजात पानी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, इतने सारे चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, आप सिर्फ एक काम कीजिए, अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए। ठीक है, सारी चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएगी, दावे के साथ कहता हूँ मैं। बस आपको अपने मन में इतना रखना है कि आपको अपनी सोच जो है हमेशा पॉजिटिव रखनी है। तो चलो दगड़ियों, उम्मीद करता हूँ आज की चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दगड़ियों नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, बाय बाय दगड़ियों।